हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप BHU हॉस्पिटल के लिए ऑनलाइन पर्ची यानी अपॉइंटमेंट कैसे कटा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि BHU हॉस्पिटल के अंदर बिना ऑनलाइन पर्ची के जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर अब पर्ची कटाने के लिए लाइन भी नहीं लगती है, सब वहां ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो वहाँ जाके आपको किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा, और वहाँ जाकर आप डॉक्टर से अपना चेकअप यानी इलाज कराने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। गाइज, आ गए हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको BHU के लिए अपॉइंटमेंट यानी पर्ची कटानी है, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट BHU के लिए बुक करनी है हॉस्पिटल में। तो अगर आपको वो देखना है तो देख लीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही यहाँ से आप ये वीडियो शुरू करिए, क्योंकि मैं इसके आगे बताऊँगा कि जैसे आपने BHU के लिए पर्ची कटा ली है लेकिन आपको रसीद नहीं मिली है, पर्ची नहीं मिली है, तो कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपली ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना। देखिए, यहाँ से आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जैसे आपने अपॉइंटमेंट ले लिए लेकिन आपको रसीद यानी पर्ची नहीं मिली है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बुक करते समय आप जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे, उस समय आपसे ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर पूछा गया था। तो ईमेल आईडी वाले सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर वाले सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको आपकी पर्ची देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग अब ये जानेंगे कि कैसे आप ये सब बुक तो कर लिए ऑनलाइन पर्ची, अब वहाँ जाके क्या करें कि आपका अच्छे से डॉक्टर चेकअप भी कर ले और आपको कोई परेशानी भी ना हो और वहाँ कोई किसी से जाके किसी चीज़ के बारे में पूछना ही ना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको वहाँ जाने पर कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट यानी पर्ची को जूम करके अच्छे से दिखा सकूँ और समझा सकूँ। तो पहली, आपको जब ऑनलाइन आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ऐसी पर्ची देखने को मिलेगी। मैं सिक्योरिटी इशू के चलते जिस पेशेंट का नाम है, मैंने और उनका मोबाइल नंबर ढका हुआ है, पेशेंट का नाम और मोबाइल नंबर, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा और 20 रुपये अमाउंट कटेंगे पर्ची बुक होने के बाद, और स्टेटस आपका सक्सेस लिखे होके आना चाहिए। तो जिस डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है उनका नाम यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा और बुकिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी जिस दिन आपको वहाँ जाना है। ये पर्ची लेके आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो ये जब वहाँ जमा करेंगे तब आपको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिलेगी। उसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जब काउंटर पे वो रसीद जमा कर देंगे तो आपको ये लाल रंग की रसीद मिलेगी। इसे आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके बगल में काउंटर होगा, वहाँ ये रसीद जमा हो जाएगी। उसके बाद आपका नाम बोला जाएगा और आप अपने आप को डॉक्टर को दिखा के अच्छे से फिर वापस आ जाएंगे और आपको ये सब वापस कर दिया जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वहाँ जाने पर कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर नहीं देखा है तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ जो आपके बहुत ही काम।